बसमिल मैं हूँ सैबिकाज़ में आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब नाजि नौ मई के वाक बाद इमरान खान को जे आई टी ने कसूरवार करार दे दिया असल वजह क्या बनी रात इमरान खान की तकरीर लेट हुई और उसके बाद मामलात ख़राब हुए रात भर ये रबते की कोशिश करते रहे लेकिन मैं आपको वजह बताता हूँ कि कसूरवार ठहराने के बावजूद इमरान खान को ना तो ये ना अहल कर सकते हैं ना सजा दे सकते हैं अभी मेरे साथ शेर अफगन साहब भी मौजूद होंगे उनसे भी इस पर तफसील से बात करते हैं लेकिन अमरीका ने भी इस पर ऐलान कर दिया असद उमर ने इनकार किया वादा माफ़ गोआ बनाने पर लेकिन बड़ी जल्दी है इस पर भी वारदात है और प्रवेश खटक के बारे में बरतानवी रे क्या वो बरतानवी एजेंट है या मामला कुछ और है ये बड़ी अहम बातें लेकिन जैसे मैंने बताया शेर अफगन साहब इमरान खान के वकील और बड़े अहम मामला मेरे सामने ये पड़े हुए हैं मैं भी उन से बात करता हूँ लेकिन रात को खान ने जो तकरीर की वो साढ़े आठ बजे थी टाइम लेकिन फिर वो लेट हो गया और आपको पता है छोटी सी एक वीडियो में इमरान खान ने पहले बताया था कि मैं आज साइफर पर बात करूँगा दौड़ें लग गई और उसके बाद उनकी पूरी कोशिश थी कि इमरान खान को रोका जाए कि ये तकरीर ना करें इमरान खान आपको पता है के 24 करोड़ लोग उनके इश्क के दीवाने हैं आप यकीन करें जो मंजर कल मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लिखे डॉक्टर्स इंजीनियर्स जिसे क्रीम कहते हैं ना माशरे की पढ़े लिखे लोगों की प्रोफेशनल्स की हाईली प्रोफेशनल की वो इमरान खान की जू ही तस्वीर आई उस पर बड़ी स्क्रीन पर ये लोग बच्चों की तरह मचल रहे थे मैं ये दीवानगी का इजार हज़ारों किलोमीटर दूर देख चुका हूँ और ख़ुद अपनी आंखों से जलसे भी मैंने खान के कवर किए हैं तहरीकन साहब की ये दीवानगी मैंने वहाँ आवाम में ग्राउंड में भी देखी है अपनी आंखों से देखी है विटनेस की है पूरे पाकिस्तान में इमरान खान जो ला ला अल्लाह कहता है ये उसकी हकीकत है वो ईमान है कल तकरीब में भी इमरान खान ने जो बात की बड़ी बड़ी अहम थी कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों से यही कहता हूँ कि आप जब पार्लियामेंटेरियन से मिलें सेनेटर से मिले तो मेरे बारे में बात ना करें कि मुझे इकतदार में लेके आए आप बात करें जो आवाम के साथ जुल्म हो रहा है कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है इंसाफ को पामाल किया जा रहा है बल्कि मैं कहूँगा बलात्कार हो रहा है ये देखें मैं खान साहब को ये बताना चाहता हूँ इस वक्त इंसाफ की सबसे ज़्यादा जरूरत इमरान खान को है देखिए ये साइफर की जो तकरीर थी इस पर बड़े बड़े पैगाम दिए इमरान खान ने खुलकर जनरल बाजवा का नाम लेकर तफसील से बताया उसका नतीजा क्या निकला लाहौर कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का रोकने का जो हुक्म था वो वापस ले लिया स्पेशल प्रोसिक्यूटर फराद अली शाह इसका कहना है कि जी इमरान खान तफ्तीश में कुसूरवार पाए हालांकि सेशन जज आपको पता है फरुख नवीद बलोच ने नौ मई के वाक़ात में इमरान खान को मतलब दर्जनों जो मुकदमा बनाए गए थे उसको मज़्क़ा खेज़ और बदनीति करार दिया था नौ मई के व में इमरान खान को हर सूरत में फ्रेम करना था यह इनकी सबसे पहली अवलिन तरजीहत थी लेकिन साइफर फिर आप जल्दी कर तेल डाल गया अदालतों के हालात में आपको बताता हूँ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने आपको पता मिलिट्री कोर्ट्स में सविलियन के ट्रायल पर जो सबसे अहम केस है उसमें जो रिमार्कस दिए कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर फौजी अदालतों में मुल्जमान का ट्रायल नहीं शुरू होगा जरा गौर से सुने इस जुमले को सुप्रीम कोर्ट की इजाजत मतलब बंदयाल साहब तो मौजूद है सोलह सितंबर तक इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देगी लेकिन सोलह सितंबर के बाद आ रहे हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट को संभाल लेंगे वो इजाजत भी देंगे और मामला भी चलेगा मामला इसीलिए निगरान हुकूमत के पास लेके जाना चाहती है लोग लंबा खींच रहे हैं ये जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर अफराद अली शाह ये तो अभी इसकी तस्वीरें देखें आप आज जुम्मे को साढ़े बारह बजे कोर्ट का टाइम होता है आमतौर तर तो शाह खाना फौजदारी केस था जज हम की दिलावर की अदालत में आपको पता है जुमे के बाद उस नगर जी समाज जारी रहेगी ट्रायल हमने जल्दी जल्दी ख़त्म करना है और चीफ जस्टिस उमर फारूक तोशा खाना के जो इमरान खान के आपको पता है जो दरख्वास्त थी कि अगले हफ्ते सत्ताईस तक लगाएं इसने वो उसको लटका दिया ताकि फाइनल उपचार नतीजा आ जाए अब शराब तर, तरक्की के घर में जो मामला हुआ उस पर आप देखें इन्होंने आ, जो एफ़ आई आर थी आई जी पर वो भी इन्होंने जज साहब ने फ़ारूक साहब ने उड़ा दी इमरान खान तक ये बात पहुँची थी इनकी सेशन कोर्ट का आपको पता है आई जी के खिलाफ मरवत साहब ने पिछले प्रोग्राम में बात की थी वो आमिर फ़ारूक ने वो एफ़ आई आर दर्ज करने का हुक्मल कर दिया मतलब ये खिलवाड़ कानून के साथ अभी जस्टिस अमजद साहब ने हाई कोर्ट में इमरान खान को 9 मई के बाद किसी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था उसे भी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कल अदम करार दे दिया मतलब ये इंसाफ का वाकई बल्त्कार नहीं तो क्या है मैं जानबूझ कर हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ शर्म आती है अपना लफ्ज इस्तेमाल करते उर्दू का जस्टिस आलिया नसीम साहिबा को ये नहीं पता कि लतीफ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं इसलिए उन्होंने समायत मुलतवी करनी लेकिन उन्होंने ना सिर्फ आर्डर खत्म किया बल्कि रिमार्क्स भी दिए कि एक शख्स को सहूलत देने के लिए पंजाब भर के सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर को बनाएं मतलब क्या कानून ने की इजाज़त नहीं देता कानून वाकई एक खेल बना हुआ है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुजस चीफ जस्टिस अब कह रहे थे कि इस केस में जो हो रहा है वो कानून साजी के जरिए मुमकिन है अब कानून साजी के मैं आपको मसाल देता हूँ जरा सुने आज हुआ क्या नेशनल असेंबली में सौ तरमीम ऐसी हुई जो असेंबली के अंदर उसको प्रॉपर प्रेजेंट ही नहीं किया गया ये इनका अलविदाई सेशन है आखिरी मतलब झटके इनको लग रहे हैं जाते हुए सब कुछ तबाह कर रहे हैं और तो मामला क्या है ये स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने सारे का सारा निज़ाम दरहम बरहम फिर ख्वाजा साद रफीक को और ख्वाजा आशिफ को जिस तरह इजाजत दी गई कि वो बिल सामने लाए जो इजलास में पेश हुए ही नहीं और उनकी मंजूरी होगी मतलब उनको देखे के कि अल्फाज क्या आते उसके राजा प्रदेश के टिकट टेकन एज रेड मतलब मैंने पढ़ लिया जो आपने भेजा है जिसने भेजा है जिसने पढ़ाया है जिसने भेजा है अब बार बार ख्वाजा साद रफी को ये माइक दे रहे थे उसको बारी दे रहे थे ताकि वो तमाम सो तरमीम मंजूर और उसमें देखे सबसे अहम मामला क्या है पाकिस्तान का एयरपोर्ट अमेरिका के हवाले का कर, हवाले करने वाला जिस पे इमरान खान एक साल से एब्सोल्युटली और का सफर शुरू कर रहा था अब आप ये देखें इसमें तमाम वो लोग को 345 के अरकान में सिर्फ 24 लोग मौजूद थे और फिर इसमें मरियम औरंगजेब का अपना दौ भी लग गया उनके शोर का तंबाकू का पी टी से एक बड़ा कारोबार एक्सपोर्ट के हवाले से वो बिल भी मंजूर हो गया अब मीडिया के हवाले से भी एक बड़ा बिल उन्होंने मंजूर किया और सेहत के हवाले से असलह के हवाले मैंने आपको पिछले कुछ भी लाफ से बताया कोशिश करें कि दर आदम खेल में जो असलह बनने की सनत है उसे किसी तरह ये पंजाब में ले आए अब इस पर तफसल से मैं फिर किसी दिन तफसील से बात करूँ क्योंकि आज मैं मामला बिल्कुल इमरान खान और अदालतों से मतलब है जिस पर अभी वो शेरफान भरवत मेरे साथ ज्वाइन करने वाले इमरान खान की जो जे आई टी में आपको पता मालूम हुई और ये कुछ रिपोर्ट्स आ है रही हैं सामने ख़तरनाक खबरें जिस पर देखें जिन लोगों ने इमरान खान का जे आई टी में इंटरव्यू किया उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कुछ लोग जो रात भर लगता है शराब पीते रहे नशे की हालत में मैं तो याद शायद उनका ज़मीर गुबारा नहीं करता कि एक बेकसूर इंसान पर इतना बड़ा जुर्म लगा दें या वो बदकिरदार लोग होंगे दोनों हालतों में नशे की हालत में और दूसरा शख्स वो फरहाद अली शाह प्रोसिक्यूटर जिसने इमरान ख़ान को कसूरवार करार दिया वो शख्स बाकायदा तौर पर अभी हज करके आया और फिर वो हम मिल के आया किस को नवाज़ शरीफ साहब को मुलाकात और तस्वीरें भी हैं बायदा अंदाज़ा करें कि ये कानून का इस तरह बदनीति का मुजाहरा शायद तारीख़ में नहीं देखा होगा हमने कहीं और राना सना के साथ वर्त महफिल में खड़ा हुआ मतलब ये इस अंदाज़ में अब जो कुछ गुज्त कुछ दिनों से आपको पता है इमरान खान के मोबाइल नंबर पर बार बार कॉल करने की बात भी की जा रही है अब हो सकता है इनकी कामयाबी नहीं हो रही इमरान खान से रबता नहीं हो रहा इनका यह मनसूबे का पहला हिस्सा इनका बुरी तरह नाकाम हो चुका है और जो सबसे ज़्यादा इसके जो नुकसान जिसको है वो नवाज शरीफ साहब है उन्हें इलेक्शन कराने में कोई दिलचस्पी नहीं पीपल्स पार्टी का वो सलीम मांडी वाला भी कह रहा था कि नून लीग ने तो साफ़ कह दिया कि हर सूरत में हम इलेक्शन जो है तहरीक साफ़ को हमने रखना है इमरान खान को हमने मतलब अब नहल करना है नहीं करना पीपल्स पार्टी की पॉलिसी सामने नहीं है लेकिन वो इंतबात चाहते हैं हर सूरत और तरीके इंसाफ को किसी में बाहर नहीं करना चाहते इन्हें खतरा है दूसरा सबसे बड़ा कि इमरान खान के कहीं तल्लात बहाल ना हो जाए ये नौ मई का कसूरवार ठहराने का मकसद और इमरान खान का जो अदालतों में दरखास्तें ज़मानत जो मुस्तरद हो रही हैं इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दबाव बढ़ाना लेकिन इन्हें ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती क्यों बार बार भूल जाती है कि इमरान खान प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है ये इंसान हर बंदा डिफरेंट होता है कुछ लोग प्रेशर में कुछ नहीं कर सकते लंदन प्लान इनका मंसूबा नाकाम हुआ उसके बाद इन्होंने जो सभीियों की तहलील जो है आपको पता है लंदन इन्होंने सोचा था लंदन प्लान से दुबई प्लान की तरफ शिफ्ट होंगे तो नतीजा इनकी उमंगों के उम्मीदों के बरक्स आया और जरदारी साहब भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि निगरान सेटअप आता गया तो सारे का सारा कंट्रोल चला जाएगा इस्टेब्लिशमेंट की मुठ्ठी में फिर उम्मीदवारों को तोड़ना सीट एडजस्टमेंट करनी हल्का बंदियाँ करना और इमरान खान को गिरफ्तार करना ये नायल करना ये तमाम मामला निगरान हुकूमत के हाथ में इनके हाथ में कुछ नहीं लेगा लंदन मनसूबे के तहत ये पी डी एम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई अब इसलिए दुबई के तहत निगरान हुकूमत अदालतों का हाल आपको पता है उमर बंदयाल साहब जो समात में एक महीने की मोलत दे रहे हैं मिल्ट्री कोर्स की मशावरत करें एक महीना मशावरत करें फिर नई तारीख बनाएंगे जो फौजी अदालतों में आपको पता स्विलियन का ट्रायल केस है उसकी समात इन्होंने गैर गैमोइना मुदत तक मुलतवी की उसकी वजह पहले अगस्त की छुट्टियाँ आ जाएंगी बीच में शायद फिर सितंबर में काजी फ़ायज साहब आ जाएंगे तो उमर मंदयाल साहब अपने हाथ झाड़ कर पतली गली इमरान खान ने जो तकरीर की रात को ग़लत तकरीर नहीं थी, वो बड़ी निपित बातें थी कोई ऐसी बात नहीं थी उन्होंने कहा साइफर की आप आज़ादाना इंक्वायरी कराएँ तो आपको एक शख्स नज़र आएगा वह है कमर बाजवा साहब ये इमरान खान के अल्फाज थे कि हुकूमत गिराने का मुतालबा करने वाला उसे पूरा करने वाला ये कमर बाजवा थे अब अमरीका ने इस पर जो अपना रदल दिया इस तकरीब के फ़ौरन बाद जो आपको पता है एक बड़ा अहम मामला सवाल जब अमरीका से हुआ तो साइफर के मामले में उन्होंने कहा तो कहाल्लम नहीं वही कहना था जाहिर लेकिन दूसरा जो उन्होंने फौरन बयान इस तकरीर के बाद दिया कि हम पाकिस्तान में और सूरत में साफ शिफाफ इलेक्शन देखेंगे और इस पर आप देखेंगे जल्द ही आपको इमरान खान का एक बड़ा इंटरव्यू भी नजर आएगा डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर जो लिखने वाले करीबी साथी हैं उसके डैरन जे बैटी उसके साथ जिसे जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन निकाला अच्छा ये वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें ट्रंप की अपने मुल्क में जो एडमिनिस्ट्रेशन है सी के खिलाफ और डीप स्टेट के साथ और जिस तरह आप देखें अमरीका के इंतबा के जो पोल आप देख रहे हैं कि डोनल्ड ट्रंप वापस आ रहा है उस पर भी वही केसेज बनाए कौन से जी खुफिया अमरीकी राज ले अपने साथ सदर दफ्तर से इसी तरह इमरान खान पर भी जी उन्होंने नौ मई में, में लैपटॉप एक चोरी किया उसमें बड़े अहम राज थे अब फर्क सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वर्कर है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता और यहाँ इमरान खान के जो वर्कर हैं उन पर जुल्म की एक पूरी दास्तान लिखी जा रही है भैया आप देखें कुछ महीनों में लेकिन इनशाला आपको ये सारे मामला सीधे होते हुए नजर आएंगे और मैं आपको उसकी दलील देता हूँ मैं आपको हवा में बात नहीं कह रहा ये तमाम मनसूबे और इनके प्लान नाकाम कैसे हुआ आप देख लें अप्रैल दो हज़ार बाईस में उन्होंने कहा था जी तरीके साथ तो फारक हो जाएगी टूट जाएगी खत्म हो जाएगी फिर उन्होंने ज़मीनी इलेक्शन हुए इसमें कहा जी तरीकन साहब मुश्किल से पाँच सीटें भी नहीं निकालेगी तरीके साहब ने जरूर फेर दिया फिर उन्होंने जी पबंदी अगस्त में हम लगा रहे हैं तरीके साहब पे फिर उन्होंने कहा जी अक्तूबर में ज़मनी इतखा है वो सारे के सारे पी डी एम जीत जाएगी फिर इन्हें लगता था कि इमरान खान पर जो हमला हो रहा है वो कामयाब हो जाएगा और ये हुकूमत के लोग जब निगरान हुकूमत के डराएंगे तो नौ मई के सारे लोग भाग जाएंगे तरीके से खत्म होगी नई नई जमातें इस्तेकाम प्रवेश घटक बनेगी वोट बैंक टूट जाएगा सारे मंसूबे इनके नाकाम सारे अट्ठारह से पैंतालीस साल के वोटर की उम्र देखें आठ करोड़ चालीस लाख वोटर ये साठ फीसद वोटर खान का पक्का है दो हजार अठारह में आप देखें उठा के वोट पांच करोड़ वोट पड़ा इस दफा आठ करोड़ नया नौजवान बच्चों का वोट और उसमें से चार करोड़ इमरान खान का पक्का है मैं आपको लिख के देता हूं उसमें सबसे अहम बात देखें साइफर के हवाले से ये अगर इमरान खान को सजा सुनाते हैं तो जब तक आर एफल मौजूद है वो सजा माफ भी कर सकता है उस पर आर्टिकल फोर्टी फाइव आप जाके पढ़ें और ये माजी में हुआ है सदर ने सजा माफ की है मुलतवी भी, भी की है तब्दील भी की है माजी में रहमान मलिक का मामला था उसको सदर आरिफर जरदारी ने मामला किया था कल जो इमरान खान ने बैरूनी इसे बैरूनी ताकतों से मुलाकात की बात की राजा परवेज की अब जी की परवेश को देखें लोग शक तो इस पर कह रहे थे कि पता नहीं बैरूनी एजेंट है इसके अब सिंगल बॉडी और नसवार की डब्बी जेब में देखने में कोई बोलते नहीं लेकिन बंदा शायद वाकई ऐसा है आप यकीन करें वरना ऐसा हो सकता है कि मगरबी ममाले के लोग मतलब वो दीगर सियासतदानों से तो आपको पता है जो राजा रिया से अमरीकी मिलने आए पॉलिसी फ़ारन पॉलिसी डिस्कस करने अब प्रवेश खट्टा से क्या वो नजवार की कीमतें बात करें क्या बात करेंगे उसे बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर उससे मुलाकात करने आ रहा है जिसके बारे में प्रवेश खट्टा के बारे में वो खुद कर ये रजीम चेंज की तैयारियां हैं ये जो मुलाकातें बिल्कुल उस तरह इस तरह इमरान खान के अदम एतम के वक्त हुई थी अब प्रवेश खट्टा की जो मुलाकात है उसमें महमूद खान भी बैठा हुआ है अब इस सियासी जमात के बारे में वहाँ छोटी छोटी जमातें जो मौजूद है के पी में वो कह रही है कि हमें इनसे कोई ख़तरा नहीं ये तो होम्योपैथिक से भी फारग है ये तो मानत जड़ी बूटियाँ हैं इनकी तो अपनी गली में नहीं है वोट जीत सकते इसलिए ये मुलाकात लेकिन डिप्टी हाई कमिश्नर मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं उनसे इंटरव्यू पूछूँ आप पूछ बात क्या करें से बहरल अभी इसी तरह से एक बार जो बाइडन के सदर मुंतब होने पर एक ट्वीट की थी आपको याद होगा कि अमरीका के लोगों ने ट्रंप को सदर बनाने की गलती की बाइडन को बना के अजाला किया अच्छा ये ट्वीट अमेरिका की उस वक्त जो ऑफिशियल अकाउंट था एम्बेसी का उन्होंने रीट्वीट की उसके बाद फिर बड़ी भारी तनकी तो सोशल मीडिया पे शुरू हुई फिर उन्होंने डिलीट कर दी माफ़ी मांग ली लेकिन ये रिजीम चेन का जो मामला है इसमें जो अदम अहतमाद का मामला वहीं से शुरू हुआ था और जिसका ख्वाजा आसफ इकरार कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत के नौ महीने बाद हमें दोबारा हुकूमत की पेशकश की नौ महीने बाद हम अंदाज़ा करें फिर इनकी मुलाकातों का सिलसिला हुआ जिसमें राजा रियाज भी मिला उससे अमरीकी खारजा पॉलिसी में अब के पी की आग, दूसरी तरफ आपको बता दूँ मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं जुमे की नमाज के बाद अफरीदी की रिहाई के लिए अफरीदी कबाइल इकट्ठे हो रहे हैं तीन बजे को हाट टनल दरादम खेल पर उनका प्रोटेस्ट है बड़ा जुल्म की ताहा होगी शरयार अफरीदी पर वो क्या करें फिर लोग इसी तरह वहाँ अभी देखें वो जो अभी दो पुलिस के अफसरान के दरमियान गुफ्तगु जिसमें वो पुलिस का एस पी कह रहा है उसको कि बस करें जुल्म ये बच्चों और औरतों पर जो जुल्म और बर्बादी हो रही है हम कितना हम बर्दाश्त करेंगे बस कर दें हम इन तमाम मामला पर इंट्रो मेरा बड़ा लंबा हो गया लेकिन हो सकता है कि मैं इसी को पहला वीलॉग भी आपके सामने रख दूँ क्योंकि जब प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाए तो मैंने देखा है कि अक्सर लोगों की जो अक्सरीत है वो उसको देखने से अवॉइड करती है लेकिन वो दूसरी वीडियो में फिर जो मैं शेर अफजल साहब के साथ जो मामला है वो आपके सामने रखता हूँ उतनी देर तक फिर या तो मुझे इजाज़त दें या इस दौरान हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक अपना खास ख्याल रखें मिलते हैं जल्दी